अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पोटैटो स्कॉच एग। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो आप इसे टी टाइम में बना सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी रेसिपी है और सस्ती रेसिपी है। घर में हर चीज़ मौजूद होती है तो आप आराम से घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आलू लिए हैं बॉयल किए हुए 5 अदद मीडियम साइज़ के, और अंडे लिए हैं बॉयल किए हुए 4 अदद, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज लिया जिसको हमने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, हसबे जायका आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, ओरिगानो लेंगे हम 1/2 टीस्पून, कटा हुआ हरा धनिया लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, कटी हुई हरी मिर्च लेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई तकरीबन 2 अदद, और काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें। और अगर आपने अभी तक किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि उससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। वैसे भी किचन विद आमना में 1000 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, अगर आपको कोई भी ऐसी रेसिपी चाहिए तो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, और अब इसमें हम डालेंगे प्याज कटा हुआ, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ओरिगानो, और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को हाथ से। तो ये देखिए सारा अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं जब भी हम आलू के कबाब बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं तो वो फट जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि आलूओं को कैसे हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हम मैदा लेंगे और अंडे लेंगे बॉयल किए हुए। तो आलूओं को पहले हम एक टिक्की सी बना लेंगे बड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर अंडे को स्टफ़ करना है ना। तो अंडे को हम रोल करेंगे मैदे में, ठीक है, ताकि आलू के साथ अच्छे से चिपक जाए। अच्छे से रोल किया, मैदा हसबे ज़रूरत है, और इसमें रख दिया, ठीक है। और अब इसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरह बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे, और इसी तरह सारे बना लेंगे। और इसी तरह सारे बनाते जाएंगे। तो ये देखिए ये रेडी हैं। अब इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 अंडे लेंगे और इनको अच्छे से फेंट लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे हसबे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स। तो एक पकड़ेंगे, इसको अंडे का कोट करेंगे, अच्छी तरह से अंडे में हम इसे रोल करेंगे, अंडे में रोल करके ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। चलें, फिर से अंडे का कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे दूसरे हाथ से। और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये रेडी है, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अच्छे गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, और एक एक डालेंगे, और जल्दी जल्दी हमने ऊपर भी ऑयल डालना है और इसको निकाल लेना है, ज़्यादा हमने रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो कुक हुआ हुआ है तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अंडा और ब्रेड क्रम्स बस हमने ऊपर से कुक करना है और इसको निकाल लेना है। इस तरह आपने इसको चारों तरफ से फ्राई करना है चम्मच के साथ, ठीक है, इस तरह कि हर तरफ से हीट जाए, हर तरफ से लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। ये देखें ज़बरदस्त सा फ्राई हुआ है,
और अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के भी कर लेंगे। ये देखते जाएं, एक एक मैं डालूंगी और उसके ऊपर भी ऑयल डालूंगे। फटाफट हमने इसको चारों तरफ से घुमा के ना चम्मच से इसको फ्राई करना है कि ज़बरदस्त सा फ्राई एक जैसा कलर हो। तो बस इसको निकाल लेंगे, देखिए कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं फट रहे, देखा आपने। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह करके। सेंटर से हम काटेंगे, लंबाई में नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ज़बरदस्त से रेडी हैं। तो इसको हम सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ। तो तैयार हैं पोटैटो स्कॉच एग, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, शक्ल इतनी खूबसूरत है, खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें टी टाइम में, आपके मेहमान अगर आ रहे हैं टी टाइम में तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों को बना के दें, वैसे भी सस्ती सी रेसिपी है, सस्ती सी रेसिपी, हर घर में हर चीज़ मौजूद होगी तो आराम से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो से मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये पोटैटो स्कॉच एग की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पर क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।